पंजाब सरकार द्वारा पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फी एक्ट 2016 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को यूनिफॉर्म व किताबों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही कोई 3 दुकानों की सूची भी अपलोड करनी होगी और इसी के तहत अभिभावक अपनी मर्जी से किताबें व यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। विभागीय आदेश तो आ चुके हैं और शिक्षा मंत्री गुरमीत मीत हेयर आदेश ना मानने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन नेक्सस तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान चंदन वर्मा ने कहा कि पेरेंट्स दुकान दुकान जाकर किताबों के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें स्कूलों द्वारा लगाई गई हैं और पूरा सेट लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। डिप्टी डीईओ राजेश्वर सलारिया का इस बारे में कहना है कि यदि कोई स्कूल विभागीय आदेश नहीं मानता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि इन आदेशों की पालना स्कूल करते हैं या नहीं। नमस्कार जी, मेरी सारे पठानकोट वासियों, मैं चंदन वर्मा, पठानकोट पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और मैं अपने शहर वासियों ये कहना चाहता कि नोटिफिकेशन सरकार वालों आ चुकी है डिपार्टमेंट्स नू, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स नू, रिगार्डिंग द फीस कि कोई भी स्कूल जो है इस साल अपनी फीस इनक्रीज नहीं कर सकता। और मेरी स्कूल वाले जो मैनेजमेंट्स है स्कूल दी उन्होंने अगे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो इन्हों जो ऑर्डरस आए ने सरकार दे उन्हां दी इन बिन पालना करन, ताकि कोई भी पेरेंट्स अभिभावक परेशान ना हो सके इस साल। और हाले भी ये दिक्कत आ रही हैं कि कुछ स्कूल ऐसे ने जो इस चीज़ों नू कह रहे कि सानू साढ़े तक हले तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँची। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा यही मुद्दा सीगा उन्होंने दसन का कि मेरी डीओ साहब ना डिप्टी डीओ साहब नाल भी गल हुई है, उन्हों का कहना है कि ये सारी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, एक दो दिन के अंदर अंदर ही ये सारे स्कूलों में मननिया भी पैन गई। और स्कूल मैनेजमेंट अगे विनती है कि वह कोऑपरेट करन डिपार्टमेंट नाल भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट नाल भी और अभिभावकों नाल भी। और दूसरा जो किताबों का इशू अगर देखा जाए तो हले तक उस चीज़ को सॉल्व नहीं किया गया, हले भी जो पेरेंट्स है वह पूरा पूरा सेट लैन मजबूर है, क्योंकि वह कितों होर मिलती ही नहीं है, इको दुकान हले तक इन्होंने फिक्स जो स्कूलों वालों हैगी उतों ही मिलती हैं। और अगर कोई एक दो किताब लूज चाहिए हुए सैट नहीं चाहिए हो किसी पेरेंट्स को तो वो अपने घर के आस पास की दुकान तो अगर कोशिश करे कि इतों मैं मिल जाए तो नहीं मिलता, उन्होंने उस पर्टिकुलर उस दुकान पर जाना पैंता, एक किताब सिंगल किताब लैन लिए भी उस पर्टिकुलर दुकान पर जाना पैंता जो स्कूलों के नाल एसोसीएटेड ने, जो कि नहीं होना चाहिए। वह भी सरकार की गाइडलाइनस के जो आया है, मेरी विनती है स्कूल वालों कि इनू भी मनन और जो अवेलेबिलिटी का इशू है उन्होंने उस चीज़ में चैक करन। दूसरे मेरे कुछ सुझाव है जो मैं परसनली तौर पर देना चाहवागा कि जिस तरह की स्कूल जो प्रशासन मैनेजमेंट्स है वह सारे खर्चे पब्लिक तो लेंदे है, बिल्डिंग दा जो फंड्स है, मेंटेनेंस दे जो फंड्स है, इलेक्ट्रिसिटी फंड्स है, वाटर फंड्स है, एनी अदर फंड्स जिन्हें भी फंड्स स्कूल नू चलाने लिए चाहिए ने वो सारे पब्लिक दिंदी है। तो स्कूल शुड बी पब्लिक स्कूल ना, नॉट प्राइवेट स्कूल्स। ये फिर प्राइवेट बिल्डिंग कादी रह गई, ये तो पब्लिक बिल्डिंग होनी चाहिए है। और जो पब्लिक दी बिल्डिंग है उस दे विच पब्लिक नू अधिकार है कि वह किसी नू भी इंटरफेरेंस करवा सके, चाहे वह प्रेस है चाहे वह कोई एनी अदर बॉडी है, उन्हों की इंटरफेरेंस करवा सकती है, बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक स्कूल, पब्लिक वह पैसा दे रही है। और अगर पब्लिक पैसा दे रही है तो पब्लिक नू हक भी बनता है कि वह पैसा कितने लग रहा है वह उन्हें जान सके। और प्रशासन अगे भी मेरी डिमांड है कि इस चीज़ को लागू करवाया जाए कि हर कोई स्कूल कोई भी एनुअल चार्जिस लैंदा है वो अपने बाहर नोटिस बोर्ड पर मैनशन करे कि उन्होंने किन्नी कलैक्शन हुई है उस साल पर्टिकुलर साल के एनुअल चार्जिस की किन्नी कलैक्शन हुई है, और एयर एंड के उत्ते टोटल फीस की किन्नी कलैक्शन हुई है पूरे साल के उन्होंने, और वो टोटल पैसा जो है उन्होंने कितने कितने लगाया, उस किस डिवेलपमेंट किसी बिल्डिंग डिवेलप किया, क्या एक्सट्रा चीज़ा उन्होंने स्कूल के लिया, उत्तर कि खर्चा होया, एक्सपेंडिचर कि आया वो भी मैनशन करे, और कि पैसा बच गया, वो जो पैसा बचे है वो अगले साल की स्कू जो फीसा ने एडजस्ट होना चाहिए, बच्चे की फीसा हर साल घटनिया चाहिए ना कि वधनिया चाहिए, और वो उतों ही आएगा जो पैसा बचेगा, वो पैसा उन्होंने प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जो भी स्कूल कोई खुलता है इंस्टीट्यूशन खुलता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस से खुलता और वो एग्रीमेंट साइन किया हों और उस एग्रीमेंट की तजियां उड़ रही ने। और मेरी मंग हैगी है कि यह चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पब्लिक को दिखाया जाना चाहिए कि तुहाड़ा पैसा कितने कितने यूज़ हो रहा और कितना पैसा कलैक्ट होया।
दूसरा मेरी एक परसनली हैगी सीगी इन्हां नाल बुक्स नूं लै के इशू सीगा, जो जो बुक्स हैगियां वो स्कूल वाइज मिल रही हैं। असी किसी भी जो अभिभावक है वो किसी भी पर्टिकुलर दुकान पर जाता जो स्कूल के नाल एसोसीएटिड है, उत्थे जाके स्कूल का नाम लेना पैंदा पर्टिकुलर कि किस स्कूल की सानू किहड़े स्टैंडर्ड की किताब चाहिए है। जबकि जिन्हें भी स्कूल CBSE नाल एसोसीएटिड ने, पेरेंट्स नू जाके बुक सेलर नू कहना चाहिए कि मैं CBSE बोर्ड की 8th की बुक्स सैट दे दो, या CBSE बोर्ड की 7th की या 6th की किसी भी क्लास की CBSE बोर्ड का सैट दो। बोर्ड के हिसाब नाल बुक्स का सैट होना चाहिए ना कि स्कूलों के हिसाब नाल। इत्थे उल्टा चल रहा जी, एफिलेटिड स्कूल CBSE नाल है, ICSE नाल है, या किसी होर बोर्ड नाल है, पंजाब बोर्ड नाल है, बट बुक्स जिहड़ियां मिलनगियां वो अकॉर्डिंग टू स्कूल मिलनगियां। उत्थे जाके स्कूल का नाम लैना पेगा, उस स्कूल की बुक दिओ, जो कि मेरे ख्याल दे विच इस तरह नहीं होना चाहिए। सानू एक यूनीवर्सल अगर असी बोर्ड यूज किया तो स्टडी शुड बी यूनीवर्सल, स्टडी भी यूनीवर्सल होए, और अभिभावक जाके किसी भी दुकान पर उस बोर्ड का नाम लैके अपने बच्चे की क्लास का नाम लैके बुक्स जो है प्राप्त कर सकन जी। Ward number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 954006113.